साल 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे। तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये मिशन तेजी से काम करेगा और लोगों तक एक राहत बनकर पहुंचेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के कई राज्यों के कई इलाकों में घर के पानी के लिए महिलाओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी महिलाओं को पानी लेने के लिए तालाब और नदियों का सहारा लेना पड़ता रहा है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन का असर अब गांवों में देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की माने तो इस मिशन को 2 साल पूरे होने में भी 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन 7 करोड़ ग्रामीण घरों में साफ पानी, पीने का पानी मिलने लगा है। मोदी सरकार का लक्ष्य है 2024 तक देश के हर घर में नल का कनेक्शन पहुंचाने का। जल जीवन मिशन के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 19 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घर हैं। इनमें से सिर्फ 3.25 करोड़ यानी कि 16.86% घरों में 15 अगस्त 2019 तक नल का कनेक्शन पहुंच पाया था, लेकिन साफ जल के साथ हर घर हर नल के ऐलान के बाद अब तक 7 करोड़ यानी कि 36.48% ज्यादा ग्रामीण घरों तक कनेक्शन पहुंच चुका है। महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2021 के दिन जल जीवन मिशन के आंकड़े जब सामने आए तो इसके बाद मिशन से जुड़े आला अधिकारी इस योजना को सफल बनाने वाले सभी स्टेक होल्डर्स की पीठ थपथपाने लगे। जल जीवन मिशन की योजना को सफल बनाने वाले अधिकारियों ने कहा है कि ये उन तमाम महिलाओं को सलाम है जो अपने परिवार, अपने घर और अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकलकर पानी लाने के लिए मजबूर थीं। इसीलिए हर घर साफ पीने का पानी नलों से मिलने लगे तो संदेश साफ हो गया है कि जल जीवन मिशन लोगों की जिंदगी ही बदलने में लगा हुआ है। अब आइए जल जीवन मिशन से जुड़ी कुछ खास बातों पर एक नजर डालते हैं। इस मिशन के प्रारंभ होने के समय से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3.77 करोड़ से अधिक परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया, यानी कि 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को अपने घर में स्वच्छ जल मिलना शुरू हो गया है। 1/3 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी मिल रहा है। 52 जिलों, 670 ब्लॉक, 42,100 पंचायतों और 81,123 गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में निश्चित रूप से जल के पीने की पानी सप्लाई उन्हें मिल रही है। गोवा 100% नल के पानी का कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में स्कूलों में भी पाइप का कनेक्शन दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से ये 100% सफल हुआ है। 5 राज्यों यानी कि गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 100% पेयजल कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। कई राज्य ऐसे भी हैं जो 100% तक पहुंचने की स्थिति में पहुंचने ही वाले हैं। अभी तक 5,43,000 से अधिक स्कूलों, 4,46,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को पानी का जो सप्लाई है वो पहुँचा दिया गया है। अब तक की प्रगति को सराहते हुए इस अभियान को 31 मार्च 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जब जीवन देने वाला जल दूषित हो जाए तो ये जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे देश में प्रदूषित पानी पीने के लिए बड़ी संख्या में लोग मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसकी सफलता के कुछ आंकड़े सामने आए जो हमने आपको दिखाए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें इस वीडियो को लेकर। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट में। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।